अहिर थाना क्षेत्र के कौशल्या नगर इलाके में शुक्रवार रात हुई संदिग्ध नगराली नामक युवक की हत्या में शामिल इलाके के खतरनाक अपराधी और मुख्य आरोपी शक्तिमान उर्फ शिवम गुर्दे की सोमवार की दोपहर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बता दें कि प्राथमिक जानकारी मिली थी कि इलाके के लोगों ने शक्तिमान को इतना मारा था जिससे वो गंभीर जख्मी हो गया था और उसका मेडिकल में इलाज चल रहा था। अजनी में हुए हत्याकांड ने वर्षों पूर्व नागपुर में हुए अक्कू यादव हत्याकांड की याद दिला दी है। कई लोगों ने शक्तिमान की हत्या के बाद राहत की सांस ली। बता दें कि इस हत्याकांड का मुख्य कारण इलाके में चलने वाला जुआ अड्डा है। स्वयंदीप बेहद गरीब परिवार से था तथा पिता की व्यवसाय में मदद करता था, जबकि शक्तिमान ने इलाके में अपनी जबरदस्त पैदा करते हुए अपनी अलग गैंग बना ली थी। शुक्रवार को जब शक्तिमान ने संदीप को मौत के घाट उतारा, उसके बाद से इलाके के लोगों का शक्तिमान पर जो गुस्सा था वो और बढ़ गया और शनिवार को उसे इलाके में देखते ही उनका गुस्सा उफान पर आ गया, जिसके बाद संदीप के मित्रों के साथ इलाके की जनता ने उसे इतना मारा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी प्राथमिक जानकारी है। शक्तिमान के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी सोमवार को मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है ये देखना अब दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।